हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और रेसिपी गुरु पे आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चाइनीज स्टार्टर। हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी चिली पोटैटो। तो चलिए इसे किस तरह से बनाना है वो देख लेते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ की अपडेट मिलती रहे। और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे क्रिस्पी चिली पोटैटो बनाने के लिए वीडियो में मैं जो भी स्टेप्स दिखाऊँ वो फॉलो जरूर करें। मैंने आलू को फ्रेंच फ्राइज जैसे काट लिया है और इसे हम ठंडे पानी से धो लेते हैं, ताकि जो एक्सेस स्टार्च है वो निकल जाए। ठंडे पानी में अच्छे से धो लेने के बाद गर्म पानी में इसे उबालना है। एक कढ़ाई में पानी गर्म करने रख दिया है और उसमें नमक डाल के हम ये आलू को डाल देते हैं। तीन चार मिनट तक आलू को उबालना है। तीन चार मिनट के बाद स्टार्च ऊपर तैरने लगेगा। उसके बाद छन्नी में निकाल के उसको बड़ी छन्नी में छान लेना है, ताकि जो एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। अब ड्राई मिक्सचर तैयार करने के लिए हम एक बाउल में डालते हैं मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ऑयल। अब तेल और आटे को अच्छे से मिला ले। सूखे मिश्रण से आलू को कोट कर ले। आप देख सकते हैं हमारे आलू अच्छे से कोट हो गए हैं। अब स्लरी बनाने के लिए हम एक बाउल में डालेंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर, नमक, काली मिर्च पाउडर और तेल, और पानी डालकर अच्छे से मिलाकर गाढ़ा मिश्रण बना लेते हैं। अब आलू को इसमें अच्छे से कोट करके मीडियम गरम तेल में फ्राई करना है। सारे आलू को हमें इस तरह से फ्राई करना है। मीडियम ऊंची आंच पर हल्का सुनहरा होने तक तलिए। हल्का सुनहरा होने के बाद हमें इसे आलू को तेल में से निकाल के 5-10 मिनट तक रखने के बाद ऊंची आंच पर झटपट दूसरी बार तलना है। दूसरी बार हमें एकदम ऊंची आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक आलू को तलना है, ताकि आलू हमारे एकदम क्रिस्पी हो जाए। आलू एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब केचप की मिश्रण तैयार करने के लिए हम एक बाउल में डालते हैं टोमेटो केचप, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर और एक ग्लास पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब एक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे।
इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक को थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें डालते हैं बारीक कटी हुई प्याज। प्याज थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें डालते हैं लंबे कटे हुए कैप्सिकम। कैप्सिकम और प्याज थोड़ा सा भुनने के बाद इसमें डालेंगे नमक और काली मिर्च। अगर आपको स्वीट टेस्ट पसंद है तो आप यहाँ पर थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। प्याज और कैप्सिकम अच्छे से पक गए हैं, हम इसमें डालते हैं सॉस का मिश्रण। सॉस के मिश्रण को थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद हम इसमें डालते हैं फ्राई किए हुए आलू। अब इस बार यहाँ पर एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि ये ज़्यादा ना पक जाए। एक दो मिनट में अच्छे से मिलाने के बाद गैस बंद कर देना है और उसे तुरंत ही सर्व करना है। क्रिस्पी चिली पोटैटो को हम तिल और ऑनियन की रिंग के साथ गार्निश कर लेते हैं। तो आप भी ये क्रिस्पी चिली पोटैटो बनाइए, खाइए और अपने अनुभव रेसिपी गुरु पे कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिए। और मेरी चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।